हेलो फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल? सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत सी जगह से हो रही है। पहले तो भाई ये चेक करो। और गाइस, इस जगह का नाम है भाई शुद्ध महादेव जी का मंदिर, जो कि पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ से पत्नीटॉप का डिस्टेंस होगा लगभग कोई 40 किलोमीटर। वैसे तो जाते जाते जाएंगे, तो अभी भाई पहले तो ये चेक करो। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा महादेव जी के दर्शन करवाने। और इस साइड तो भाई शायद से चल रहा है भंडारा वगैरह। और ये है वो मेन मंदिर भोलेनाथ जी का, जहाँ पे कि अभी मैं आपको फ़िलहाल दर्शन करवाने लेके जाऊँगा। तो चलो भाई। तो गाइस, पहले तो भाई ये है भोलेनाथ जी का वो त्रिशूल, जहाँ पे कि इसके मतलब तीन टुकड़े होके गिरे थे। एक वो है वहाँ पे, एक ये और एक ये। यह है भोलेनाथ जी का त्रिशूल, जबकि शुद्ध को मारा गया था तो भाई ये सारे के सारे यहीं पर गिरे थे फिर। और इस साइड है भैरव बाबा जी का मंदिर, जय भोलेनाथ। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेन जगह, जो कि मेन मंदिर है ना। तो ये है भाई मेन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, और लगभग ये मतलब आज से 2800 साल पुराना होगा। चलते हैं भाई अंदर। तो दोस्तों, ये है भोलेनाथ जी का वो प्राचीन शिवलिंग, जहाँ पे कि माता पार्वती जी हर रोज आके जल चढ़ाया करती थी, भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करते थे। और इसी के साथ ये जो आप भाई मूर्ति देख रहे हो, ये किस मेटल की है ये आज तक पता नहीं चला। और ये मूर्ति है ना, जो ये निकली हुई है जमीन के अंदर से। और ये मूर्ति है भोलेनाथ जी की, माता पार्वती जी की और गणेश भगवान जी की। तो गाइस भाई, ये एक गुफा है जहाँ से कि निकलते हैं। दो बार मैं यहाँ से निकला हूँ, नाम बताया क्या ही बताऊँ। इस जगह से निकलना होता है यहाँ से बाहर को, ये वाली साइड से इस वाली बाहर को। तो गाइस, यहाँ पे भाई महादेव जी के दर्शन करके मज़ा ही आ गया। तो भाई अभी चलते हैं यहाँ से, इस मंदिर से। तो अभी हमने प्लान करा हुआ है कि सीधा जाएंगे यहाँ से पत्नीटॉप के लिए, और अभी चलते हैं भाई सीधा, देखते जाते जाते। चलो फिर। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, सीधा चलता हूँ और रास्ते में बोलता हूँ फिर आपको। तो भाई बाइक लेके आया हम लोग, तो ये था मंदिर बाहर से। तो चलो फिर, लेट्स गो भाई। अभी हम लोग भाई शुद्ध महादेव जी से निकल कर सीधा आ चुके हैं गौरी कुंड में। तो वो जो सामने मंदिर है वो है भाई गौरी कुंड, वहाँ से शुद्ध महादेव जी से होगा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो जो कुंड है भाई यहाँ पे, वो तो होगा इस साइड, ये है। एक तो बालों की हालत ख़राब हो रखी है भाई, क्योंकि ना मैंने वहाँ से हेलमेट पहनी थी, घर से जब मैं निकला था ना, तो तब भाई हेलमेट पहनी थी। देखो पूरे मतलब वैसे हो रखे हैं, इसको इग्नोर मारो छोड़ो। तो ये है भाई गौरी कुंड, पहले दर्शन करके आते हैं उसके बाद चलते हैं। तो चलो भाई यहाँ पे करते हैं पहले दर्शन अपने। हाँ भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है, और यहाँ पे देख रहे हो क्या हरी भरी। और भाई यहाँ पे ना टेम्परेचर मतलब इतना नॉर्मल है ना, कि भाई ये जो पौड़ी है ना, सीढ़ियाँ ना, वो ठंडी हो रखी है। दर्शन करने गुफा में, ये देख रहे हो भाई किस तरीके की गुफा है ये वाली, ये है गौरीकुंड वाली गुफा। यहाँ से भी एक गुफा है भाई, यहाँ से निकल के वहाँ से, और दर्शन हम करेंगे उस साइड। अब यहाँ से निकलेंगे उस साइड से। जय माता रानी। तो गाइस ये देखो भाई, यहाँ पे है मंदिर, ये देखो बिल्कुल पहाड़, ये है पूरी पहाड़ी, और पहाड़ी के अंदर ये देखो क्या मतलब क्या ही चमत्कार हुए हैं। चलो भाई लोग, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्नान करने। स्नान तो करना नहीं है बस, हाँ थोड़ा बहुत अपने ऊपर पानी चाहिए भाई। तो भाई लोग, भाई अभी हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके, और इस वक्त टाइम हो रहा है 2:10। तो अभी भाई हम लोग सोच रहे हैं कि सीधा यहाँ से निकल जाए पत्नीटॉप के लिए। वैसे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट नहीं तो स्टे करना पड़ेगा अभी रात को, बट वो तो देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। बट फिलहाल तो यहाँ से निकलेंगे, और व्यू चेक करो भाई कितना ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू है। भाई अभी यहाँ से हमारा डिस्टेंस रह गया पत्नीटॉप का सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर। और ये देखो भाई ग्रीन क्राफ्ट आइलैंड एयरप्लेन वाला रेस्टोरेंट,
या एयरप्लेन वाला रेस्टोरेंट। गाइस फाइनली भाई मैं बन चुका हूँ पत्नी टॉप के घने जंगलों में। और भाई ये व्यू चेक करो भाई एक बार आप। और अभी का भाई यहाँ पे मौसम बता दूं तो भाई काफी अच्छा मौसम है। टेम्परेचर तो मैंने अभी चेक करा ही नहीं, जस्ट अभी पहुंचा हूँ 5 मिनट पहले। सारा हमने कवर कर लिया, शुद्ध महादेव जी के गए थे पहले, फिर गौरीकुंड, और अभी हम लोग आ चुके हैं पत्नी टॉप। और भाई टाइम हो रखा है 4:07। अच्छा तो हम भाई पहले बैठे हुए थे वो वहाँ पे ऊपर एक मतलब पार्क बने हुए जहाँ पे कि पिकनिक नहीं आती है, जहाँ पे पिकनिक स्पॉट हिल स्पॉट है। और बाकी भाई ये देखो क्या ही मस्त मौसम है जी। तो भाई लोग भाई जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ वो जस्ट यहाँ से लेके और ये वाला पार्क है सिंपल सा, बस इससे ज़्यादा तो मेरे को कोई पत्नी टॉप में और ज़्यादा मिला ही नहीं। अभी भाई वहाँ से हमने ली थी एंट्री एक्चुअली, तो वो वाली साइड तो मैं ऐसे गया था घूमने, बट ये वाली साइड देखो तो वहाँ वहीं पे चलता हूँ आपको दोबारा से लेके, यहाँ पे से कि हमने एंट्री ली हुई थी ना, यही है यार पत्नी टॉप में। इससे ज़्यादा तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं भाई। हाँ बट अगर सर्दियों में होती ना तो भाई इतना मज़ा आता, ये पूरे भाई पूरे यहाँ पे बर्फ पड़ी होती। गाइस यहाँ पे भाई एक बोर्ड मिला है, ये जी एक्टिविटी कर सकते हैं हम, ये देखो भाई चेक करो, मेरे को तो एक भी नहीं मिली। गंडोला वगैरह, जिप लाइन वगैरह, आर्चरी भी है भाई, बट है वो कहाँ पे है ये नहीं पता। चलो इसको छोड़ो यार जी। तो भाई अभी टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि निकल जाते हैं यहाँ से, जाते जाते फिर हम लोग जाएंगे मानसर भी। यहाँ से होगा लगभग 84 से 85 किलोमीटर, तो भाई लेट्स गो, थोड़ा दूर तो है बट चलेगा कोई बात नहीं। तो भाई बड़ी दिक्कत पता क्या है, मेरे जो फ़ोन की बैटरी है वो सिर्फ और सिर्फ रह गई 3%, और बाकी तो अपनी हालत ख़राब हो रखी है सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं अब कोई ना। तो अभी भाई दोबारा से निकलेंगे, दोबारा से हमको भाई 115 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं कर लेंगे यार, इतना तो कर ही सकते हैं। इससे पहले कि मेरा फ़ोन भाई स्विच ऑफ हो जाए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। बाकी वाली जो वीडियो है मेरी वो मैं मानसर जाके शूट कर लूँगा अपनी थोड़ी बहुत। तो चलो भाई लेट्स गो। हाँ जी तो गाइस अभी टाइम हो रहा भाई 8 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं मानसर में। तो भाई मेरा फ़ोन जो है वो पूरा का पूरा डेड हो चुका है, तो इसलिए अभी मैं दूसरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ फिलहाल। ये देखो भाई देखो बिल्कुल डेड हो चुका है भाई, बिल्कुल नहीं चल रहा। तो भाई बात ये है कि अभी फिलहाल इस फ़ोन से जुगाड़ करके चलाते हैं। हाँ जी तो गाइस भाई इसमें तो मेरे को क्वालिटी बड़ी ज़्यादा लो लग रही है। वैसे अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे बैठ के 10 से 15 मिनट रेस्ट ही करने वाले, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, और उसके बाद निकल जाएंगे फिर सीधा घर पे। और अपना जो टाइमिंग है वो मेरे को बताएगी भाई, 9 बजे के करीब हम लोग पहुँच जाएंगे। उसके बाद यार सीन पता क्या हुआ, मेरी सारी की सारी जो बैटरी है ना वो गई भाई गूगल मैप के थ्रू। जब मैं जा रहा था तो भाई पूरा मतलब गूगल मैप ऑन था, तो उसकी वजह से सारी बैटरी चलेगी, इसलिए भाई फिर डेड हो गया पूरा। अभी तो भाई पूरा डेड हो रखा है। अभी व्यू देखो भाई, ये चेक करो, क्वालिटी कम आ रही होगी बट बेस्ट है। अभी कुछ देर बाद जाएंगे वहाँ पे, थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करेंगे और बस इतना ही करेंगे। बाकी मिलता हूँ सीधा भाई आपको घर पे पहुँच के, बाय फिर।